हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। आई एम योर टीचर चंदन एंड आई एम टीचिंग यू साइंस क्लास 7। एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1, 2 एंड 3। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर, हीट। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज पे अटेंशन इन दिस चैप्टर एंड आई विल गोइंग टू हेल्प यू इन दिस लॉकडाउन पीरियड टू स्टडी प्रॉपरली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द चैप्टर हीट। एंड बच्चों, हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ हीट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे थर्मोमीटर और सारे एप्लीकेशंस के बारे में, हीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो गो थ्रू द लाइंस इन दिस चैप्टर 3। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यस, हम लोगों ने पढ़ा है कि चैप्टर 3 में वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं। और आपको पता है कि कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। ओके, वूल इज मेड ऑफ एनिमल फाइबर एंड कॉटन इज मेड ऑफ प्लांट फाइबर। ओके, नो प्रॉब्लम। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। ओके, तो जब बाहर में ठंड रहती है तो हम लोग कौन सा क्लोथ पहनते हैं? वुलन क्लोथ पहनते हैं। एंड वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म्स। ओके, वी नो दैट इट कीप्स अस वार्म। वाई? बिकॉज इट कैप्चर्स द ट्रैप द एयर एंड एज वी नो दैट एयर इज द इंसुलेटर ऑफ हीट। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ कॉटन क्लोथ्स वेन इट इज हॉट। ओके, और जैसा कि गर्मी के दिनों में हम लोग जो है कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये जो है स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और इसको बाहर मॉइस्चर को जो है एनवायरनमेंट में ये एब्जॉर्ब हो चला जाता है ना, इसीलिए दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। यस, और जब ये हमारा जो स्वेट होता है वो कॉटन क्लोथ के थ्रू जो है एयर में मॉइस्चर चला जाता है तो हम लोग को फिर क्या होता है, हम लोग को कूल लगता है ना। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। आपको ये आश्चर्य होगा कि एक पर्टिकुलर सीजन में हम लोग अलग अलग क्लोथ क्यों पहनते हैं, लेकिन सबको आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं इसको। इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस। आपको घर में क्या होता है, विंटर में ठंड लगती है। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब आप सन में, गर्मी के दिनों में, सॉरी ठंड के दिनों में ही जब बाहर आते हैं, सन में आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, फील होता है, वार्म फील होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। और गर्मियों में क्या होता है, आपको घर के अंदर भी बहुत गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम लोग को कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है गर्म है या ठंडा है? वी हैव द सेंस ऑफ टच, है ना। बाई टचिंग वी कैन नो दैट एनीथिंग इज कोल्ड और हॉट। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। और कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ कितना ठंडा और कितना गर्म है? एज यू मोस्ट ऑफ यू नो वी आर यूजिंग थर्मोमीटर। इन दिस चैप्टर वी शुड ट्राई टू सीक आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, हॉट एंड कोल्ड, बच्चों गर्म क्या होता है और ठंड क्या होता है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आपके पास ये टेबल है और इस जैसे आप बहुत सारी चीज़ें घर में आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आइसक्रीम, स्पून इन ए टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, है ना। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं, आप और भी बहुत सारे आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप जी इसका जो भी नेचर होगा उसमें आपको टिक करना है। अगर इस ऑब्जेक्ट का, इस थिंग का जो नेचर है वो कोल्ड या कूल है तो आप इस कॉलम में जो है टच करेंगे, टिक करेंगे। या अगर इसका नेचर वार्म है या हॉट है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। चूंकि आइसक्रीम ठंडा होता है इसलिए हम लोग कोल्ड में इसको टिक करेंगे। देन स्पून इन ए टी कप, इट विल बी वार्म, हॉट। देन फ्रूट जूस, इट विल बी कूल। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, इट विल बी हॉट। आप बच्चों और भी चीजें ऐड कर सकते हो इसमें, है ना। ओके, बट प्रिकॉशन क्या है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को आपको टच नहीं करना है डायरेक्टली। ओके,
बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। और जब भी आप किचन में जा रहे हो, कैंडल जो है, कैंडल के फ्लेम के पास हो या स्टोव के पास हो, तो थोड़ा केयर रखो, है ना। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है कूल होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं ना। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। हाँ, जब हम लोग कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरे से, तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि कुछ चीजें जो है ज्यादा गर्म होती हैं और कुछ जो है एक दूसरे की कंपेरिजन में कोई एक जो है ज्यादा गर्म होगा, है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उससे थोड़ा कम होगा। तो ये भी हम लोग कंपेरिजन कैसे जानते हैं, बाई यूजिंग सम इक्विपमेंट, या और हम अपने सेंस से भी इसको चेक कर सकते हैं, बट ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर? ओके, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म है? और वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। यस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम लोग के पास टच का सेंस है कि हम लोग हीट और कोल्ड को जो है सेंस कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज को हम लोग टच करके देख सकते, पता कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल, भरोसे के लायक है? चलिए हम लोग ये एक्टिविटी करके देखते हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको 3 टब्स और या कंटेनर लेना है इस तरह का, जैसा पिक्चर में दिया हुआ है। ओके, फिर आपको क्या करना है, इसमें लेवल करना है ए बी एंड सी। देन आपको क्या करना है, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, ए में आप ठंडा पानी डाल दीजिए, एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, बी में आप जो है इसमें हॉट वाटर आपको डालना है, ठीक है। एंड सी में करना है मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। आपको जो है सी में जो है थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा ठंडा मिलाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर जो है इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि उससे आपका हाथ जल जाए, है ना। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। चलिए, कंटेनर ए में आपने अपना लेफ्ट हैंड डाला, जो कि क्या है, कैसा है वो, कूल है ना, ये कूल है, ये हॉट है, और ये जो है कूल प्लस हॉट मिक्स है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड आपने कूल वाटर में डाला, ए में डाला, और राइट हैंड आपने जो है हॉट वाटर में डाला, है ना। फिर आप दोनों हाथ को जो है, ए में आपने डाला कूल है वाटर, आपको ठंडा फील हुआ, बी में डाला है आपने कौन सा हैंड डाला है आपने, फर्स्ट में आपने ए में डाला है लेफ्ट हैंड, ओके, और बी में आपने राइट हैंड डाला है, ओके। तो आपको लेफ्ट हैंड में कैसा फील होगा, कूल, और बी में हॉट। अब आप दोनों हाथ को जो है आप जो है डालेंगे थर्ड में, जिसमें कि कूल एंड हॉट का मिक्स है, तो आपको लेफ्ट हैंड में कैसा फील होगा, जो कि पहले कूल वाटर में था, यो उस हाथ में आपको गर्म फीलिंग आएगी, और जो आपने हॉट वाटर में जो हाथ डाला था उसको जब आप इसमें डालेंगे सी में, तो आपको ये कैसा फील आएगा, कूल फील आएगा। तो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि एक ही कंटेनर में आपको, एक ही वाटर में आपको कूल और हॉट दोनों फीलिंग क्यों आ रहा है दोनों अलग अलग हाथों से? तो ये आपको क्वेश्चन आंसर इसके लिए आपको सोचना है कि ऐसा जो है क्यों हो रहा है। ओके, बूझो का क्वेश्चन यही है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। ओके, क्या है कि लेफ्ट हैंड बोल रहा है कि वाटर जो है हॉट है, राइट हैंड बोल रहा है कि कूल है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज इसका रीजन ये है, क्योंकि जैसा कि आपका लेफ्ट हैंड जो है कूल वाटर में था, तो इसके कंपैरिजन में ये वाटर तो हॉट है, नॉर्मल, ये जनरल सी बात है। और आपने राइट हैंड जो है हॉट वाटर में डाला था जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा थी, और सी में जो वाटर है उसकी टेम्परेचर कम है। अब इसमें आपने अपना जो है राइट हैंड डाला है, तो चूंकि आपने ज़्यादा गर्म से कम गर्म में डाला है, इसलिए आपको ये कूल फील हुआ। कॉमन सी सेंस है, ये कंपेरेटिव स्टडी है। ओके, नाउ बुझोस कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो इस आधार पे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि हम लोग अपना सेंस के आधार पे किसी भी चीज को
गर्म या ठंडा जो है डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग नहीं हो सकते हैं, ओके। क्योंकि जैसा आपने आप यहाँ पे देखा कि आपको एक ही वाटर एक हाथ से कूल एक हाथ से हॉट फील हो रहा है ना। देन हाउ वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपरेटिव हीट को जो है हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं ना। दिस इज वॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो हम लोग जिस चीज से किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, ओके। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर? यस, आप में से बहुत लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर। यस, आपकी फैमिली में कोई कभी बीमार हुआ होगा जिसको फीवर हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या किसी अदर मेंबर्स ने थर्मोमीटर यूज करके जो है वो टेम्परेचर चेक किया होगा। तो वो में थर्मोमीटर दैट इज यूज फॉर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। नाउ यहाँ पे आपके पास जो है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दो स्केल्स बने हुए हैं, ऊपर में 35, 36, 37, 38 है, नीचे में 94, उसके बाद जो है 5, 8, देन 100 है ना, इस तरह से है। तो वो जो नीचे की स्केल है वो आपका जो है फारेनहाइट स्केल है, और ऊपर की जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस स्केल है। तो टेम्परेचर को मेजर करने की बहुत सारे यूनिट होते हैं, जिसमें कि डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट दो अलग अलग मेथड ऑफ यूनिट्स होते हैं, ओके। और हमारी कंट्री में डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, ओके। दैट इज ओके, तो इस तरह का क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे में यूज किया जाता है। नाउ होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब आप जो है थर्मोमीटर ले लीजिए और उसको मैं देखिए, चेक करिए, इस तरह से आप उसके रीडिंग्स देखिए कि उसमें रीडिंग्स में दो अलग अलग रीडिंग्स हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट योर फ्रेंड, ओके। आप किसी फ्रेंड से लेकर के या क्लिनिकल थर्मोमीटर आप देख सकते हो। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जैसा कि आप देखिए ये जो पोर्शन है ये जो है लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है बल्ब बना हुआ है, ओके। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ओके, जो कि मेटल का होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और यहाँ क्या होता है, मरकरी होता है ना। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इसके बाहर जो है आप एक शाइनिंग जो है सिल्वरी शाइनिंग थ्रेड जो है जो आपको यहाँ पे ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है जो सिल्वर शाइनिंग के साथ होता है, इसको जो है आप देख सकते हो ये क्या है, ये मरकरी होता है, ओके। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, ओके। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा थर्मोमीटर को घुमा लीजिए तो आप इसको जो है देख सकते हैं, है ना। रोटेट करने से आपको जो है वो व्यू में आ जाएगी, जब आप उसको अपने आईज के पैरेलल व्यू में रखेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको स्केल दिख रहा है या ये जो ऊपर और नीचे जो नंबर्स हैं वो उसी को स्केल कहा जाता है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल एज इंडिकेटेड बाई डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो ऊपर में आप देखिए यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और नीचे फारेनहाइट लिखा हुआ है, तो हम लोग जो स्केल यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 35 है और जो एंडिंग है वो 42 है। इसका रीजन ये है कि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर जो है 35 से बिलो नहीं जाता है और मैक्सिमम जो है ये 42 से ऊपर नहीं जा सकता है, ओके। नाउ रीडिंग ए थर्मोमीटर, अब आप हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग को थर्मामीटर जो है
रीड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ओके, सबसे पहले आपको जो है टेम्परेचर जो है आपको देखिए, जो दो बिगर मार्क्स के बीच में जो स्मॉल मार्क्स है उसको आप देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ 36 है, उसके बाद 37 है, इसके बीच में आपको 10 स्मॉल लाइंस मिल जाएंगी। मीन्स इसको 1 डिग्री सेल्सियस को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो 36 के बाद अगर आप स्केल 1 में जाती है एक छोटी स्केल में, तो 36.1 हो जाएगा। और इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जब ये 10 हो जाएगा तो ये 36 से 37 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग रीडिंग करते हैं थर्मामीटर का। ओके, नाउ शोन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो स्मॉल मार्क्स है बिटवीन दिस मार्क्स, टू मेन मार्क्स के बीच में जो स्मॉलर मार्क्स है उसको आपको काउंट करना रहता है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। यहाँ पे आपके 10 डिवीजन्स हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1/10। ओके, तो 1/10 इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 0.1। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो जब भी आपका एक स्केल जैसे 36 के बाद एक बढ़ेगा 1 पॉइंट, तो आप 36.1 करेंगे, फिर 36.2, 36.3, ऐसे आप बता सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आपको करना क्या है, वॉश द थर्मोमीटर। पहले तो आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के लिए क्या हम लोग क्या कर यूज करते हैं? वी आर यूजिंग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ओके, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। आपको इसके बाद क्या करना है कि अच्छे से पकड़ करके इसको जो है फ्यू जर्क देना है। इसका जो जो लोअर साइड है, नैरो साइड, उसको डाउनवर्ड करके आपको जो है जर्क देना है, ताकि सारा जो है जो भी उसमें पारा है वो जो है नीचे चला जाए। ओके, नाउ द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। ये इसी रीजन से हमने बताया, एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35। आपको इसको जो है आपको देखना है कि आपका जो थर्मोमीटर में जो पारा है वो 35 से नीचे रहे। ओके, आपको ये ध्यान रखना है जब आप उसको यूज करने जा रहे हो। ठीक है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आपको क्या करना है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको अपने टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब आपको क्या करना है कि थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और रीडिंग को नोट करना है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो जब भी आप बताएंगे जैसे कि आपने अगर 36.1 रीड किया है, तो 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा आप बताएंगे। ओके, नाउ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एक एवरेज रीडिंग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी 37 ही आए, किसी की 36 भी आ सकती है, किसी की 38 भी आ सकती है, और इसके बीच में जो है वेरी करता है। ओके, नाउ सम प्रिकॉशन टू बी यू ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या प्रिकॉशंस है? थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। ओके, आपको थर्मोमीटर यूज करने से पहले उसको जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है, यूज करने से पहले और बाद में। ओके, व्हाई? टू व्हाई? बिकॉज ऑफ आप इसको इसको जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसको हम लोग जो है पेशेंट्स में ही यूज करते हैं, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ओके, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35। वो भी हमने चेक कर लिया। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। आपको जो है अपने साइट का जो है पैरेलल व्यू में रख करके, जैसा कि इस लड़की ने यहाँ पे बूझो ने रखा है, आपको अपने आईज के पैरेलल में जो है थर्मोमीटर को रख करके रीड करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। आपको केयरफुली जो है हैंडल करना है,
क्योंकि ये जो है ग्लास का बना होता है और इसमें पारा होता है। ओके एंड डोंट होल्ड दैट थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और कभी भी थर्मोमीटर के बल्ब को कभी भी नहीं पकड़ना है क्योंकि इससे आपकी जो रीडिंग है वो डिस्टर्ब होगी। ओके नाउ पहेली हैज सम क्वेश्चंस। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37। जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि किसने ये जो 37 जो बताया गया है वो एक एवरेज रीडिंग है। कुछ पर जो है जो नॉर्मल हेल्दी बहुत सारे लोगों का एक मेजर करके एवरेज निकाला गया है उसी का जो है ये होता है। ओके बट जरूरी नहीं सबकी 37 ही आए, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे हो सकता है। नाउ यू हैव वन एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ ए वॉट क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके आपको क्या करना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर लेना है और उससे आपके फ्रेंड्स के जो है टेम्परेचर मेजर करना है। आपको प्रिकॉशंस, ये सारे प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखना है। ओके नाउ इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37? नहीं, इसका हमने जवाब आपको बता दिया है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ओके जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो है 35 से 42 के अंदर ही होता है। कभी भी ये ना 35 से नीचे जाएगा ना 42 से ऊपर जाएगा, इसलिए थर्मोमीटर जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसी रेंज में होता है। ओके बूजो गॉट ए नॉटी आइडिया, ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग इट। ओके बूजो जो है ट्राई कर रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से जो है दूध का जो है टेम्परेचर मेजर किया जाए जो कि हॉट है। ओके तो पहली ने उसे रोक दिया। वाई? बिकॉज उसका जो है रेंज जो है 42 तक है और जो हॉट मिल्क है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट हो सकता है जो कि उसमें मेजरमेंट का कैपेसिटी नहीं है और उसमें जो है पारा जो है उस रेंज उस टेम्परेचर में आएगा तो वो ब्रेक कर जाएगा। ओके क्योंकि वहां पे उसको उतना ऊपर जाने के लिए स्पेस नहीं है। नाउ कॉशंस, डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ओके जैसा मैंने बताया था। नाउ ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। ओके जहां भी इसका रेंज इस बॉडी टेम्परेचर से ऊपर जाएगा वहां पे आपको इसको जो है नहीं रखना है क्योंकि इससे ये ब्रेक हो सकता है। नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में सीखा, अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में सीखेंगे। ओके हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस पर्पोज देर आर अदर थर्मोमीटर। ओके जैसा कि बॉडी टेम्परेचर की यूज करने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, अदर चीजों के लिए हम लोग जो है अदर थर्मोमीटर यूज करते हैं जैसे कि वन ऑफ देम इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर और इसकी रेंज आप देख सकते हैं 0 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ओके तो इस रेंज की किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको कैसे मेजर करना है। ठीक है सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पोज। ओके द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके जो वेदर का टेम्परेचर हम लोगों को मेजरमेंट से मिलता है उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके और ये जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। मैंने बता दिया आपको इसका, देखिए यहाँ पे है 0 से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। 1 जो है इसके बीच में आप देखिए 10 डिविजन्स हैं तो ये 1 जो है 1 इज इक्वल टू 10। ओके 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इसके बीच में आपको 10 डिविजन्स है इसका मतलब है कि एक स्मॉल लाइन जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ओके तो ये हो गया -10 क्योंकि 0 से नीचे है और 0 से ऊपर जो है ये हो गया 10। 1 हो इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ओके देन 100 देन 110 इस तरह से है ये। अब जैसे देखिए इसके बीच में 10 डिविजन्स हैं और हर डिविजन्स की वैल्यू 1 होगी। ओके ये हो गया। नाउ एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। ओके
आप कभी भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर या कोई भी थर्मोमीटर यूज़ करें जो कि, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए और जो भी चीज़ का आपको मेजर करना है वो उसके चारों तरफ होना चाहिए। ओके, और ये जो है आपको वर्टिकली प्रॉपरली रखना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब आपको करना क्या है कि मरकरी का मूवमेंट जो है आपको मेजर करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी। अब आपको देखना है कि कब जा करके मरकरी का जो है थ्रेड रुक जाता है। ओके, वहीं पे आप इसकी रीडिंग लेंगे। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो भी आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रिकॉशंस देखा है वो सभी यूज करना है। उसके अलावा आपको क्या यूज करना है, यू शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो ये जो है इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस चीज का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं वो बल्ब जो है, वहां पे बल्ब जो है उस चीज से पूरी तरह से सराउंडेड होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। और ये भी प्रिकॉशन देखना है कि आपको जो है कंटेनर को बल्ब जो है टच नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको जो है रीडिंग नोट करना है। आप आपने पानी का रीडिंग जो है ले लिया है। ओके, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। आपने जो भी टैप वाटर लिया है उसका मेजरमेंट जहां पे भी रुक गया वहां पे आपका उसको टेम्परेचर हो गया। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपको क्या करना है, सभी बच्चे जो आपके क्लास में जो ने टेम्परेचर लिया है उसको मेजर देखना है कि कोई वेरिएशन तो नहीं है। आर देर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग? हाँ, हो सकता है। ओके, क्यों होगा वो हम लोग बताएंगे अभी। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आप सोचिए, मैं अभी बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है। ओके, बोजो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। ओके, ये इसके बारे में हम लोगों ने बताया, बोजो भी समझ गया। बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर दिस बॉडी टेम्परेचर। अब मुझे सोच रहा है कि क्या हम लोग ये थर्मोमीटर जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये जो है हम लोग इसके बारे में भी ये से एक्टिविटीज से आपको पता चलेगा। ओके, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्यों यूज नहीं कर सकते हैं बट क्लिनिकल थर्म बॉडी टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए। ओके, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। आपको क्या करना है कि गर्म पानी एक मग में लेना है, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, डिप कर दीजिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। और आपको जो है थर्म में जो मरकरी है उसको स्टेडी होने तक आपको रुकना है और उसके बाद आपको नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब आप थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस। अब आप देखिए कि क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। आप जैसे ही मरकरी थर्मोमीटर को वाटर से बाहर लाएंगे और उसका जो है मरकरी फॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो आपको मेजरमेंट जो है उसी पोजीशन में लेना है जब जो है थर्मोमीटर सब्सटेंस में डिप हो। ओके, आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह इसको यूज नहीं कर सकते हैं कि आपने माउथ में डाला उसको निकाल करके मेरे रीडिंग के चेक कर रहे हैं। ओके, तो बुजो को कुछ कुछ चांसेस मिला होगा यहाँ पे कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो है यहाँ पे आप देखिए, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, एक किंक होता है। ओके, यहाँ पे देखिए एक किंक जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है और ये किंक जो है जो उसमें पारा है उसको ऑटोमेटिकली मरकरी को डाउन जो है नहीं आने देता है। ओके, जब तक हम लोग उसको जो है एक झटका नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन क्लिन जो हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें ऐसा कोई किंक नहीं होता है। ओके, तो जब हम लोग क्लिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को माउथ में डालेंगे और निकालेंगे तो वो रीडिंग चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें किंक नहीं है। नाउ बुजो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। अब बुजो अब सोच रहा है कि जब एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब हम लोग
ले जाते हैं तो उसका क्यों चेंज हो जाता है रीडिंग। इसीलिए चेंज हो जाता है क्योंकि क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है इसमें कोई किंक नहीं होता है और ये सब्सटेंस के टेम्परेचर के अनुसार जो है ऑटोमेटिकली तुरंत चेंज हो जाता है। ओके नाउ यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। जैसा कि आपने पहले देखा और आप लोगों को पता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जो है टेम्परेचर देखने के लिए उसको माउथ से बाहर निकालना पड़ता है रीडिंग लेने के लिए। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसी किंक की वजह से जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता है। ओके ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पोज, और चूंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर काफी लेंदी भी होता है और भारी भी। व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? तो आप जैसा कि मैं बताना चाह रहा था, पहले भी बताया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें एक बार पारा जहाँ पे रहता है मेजरमेंट के बाद वो ऑटोमेटिकली वापस नहीं आता है, तो हम लोग माउथ से बाहर निकाल के उसको एग्जैक्ट रीडिंग ले सकते हैं, बट क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो चीज़ नहीं है। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, आप इसको देखिए, इसमें आपको देखा जाएगा। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे किंक है। वॉट इज द यूज ऑफ किंक? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ओके, तो यही आपका सारा आंसर है। इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन, इसी वजह से हम लोग जो है बॉडी मेजरमेंट के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके नाउ नाउएडेज दिस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मोमीटर इज अवेलेबल। ओके देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी बिकॉज मरकरी क्या होता है वो जो है हजार्डस होता है और इसका जो है डिस्पोज करना भी आसान नहीं होता है, और चूंकि थर्मोमीटर ब्रेक भी हो सकता है क्योंकि ग्लास का होता है, यही सब रीजन से जो है डिजिटल थर्मोमीटर्स आर नाउ अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो इन मरकरी इस डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होता है। ओके नाउ पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम? यस, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जो है अगर सेम है, तो जैसे कि कोई भी दो हॉट वाटर है सेम टेम्परेचर है तो दोनों का जो है सॉरी अगर मान लिया एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर अगर सेम है तो दोनों में जो है हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, या कोई भी मीडियम में जहाँ के टेम्परेचर सेम हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके तो हम लोग आगे इसको हम लोग सीखेंगे। ओके कि ये जो है हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है। अभी हम लोग यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है कि हम लोग जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है और हम लोग एक दूसरे को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी आज। ओके बच्चों, सो दैट इज सफिशियंट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। ओके इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके सो टिल देन यू वॉच माई ऑल द वीडियोज एंड गेट अपडेटेड योर सेल्फ एंड ऑल्सो रीड द दिस पोर्शन सो दैट वेन आई विल डिस्कस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके सो थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग में से कोई नए हो तो प्लीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 10th वीडियो है क्लास 7 साइंस का, इससे पहले 9 वीडियोस बन चुके हैं चैप्टर 1 2 3 के, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके एंड एवरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 6 o'clock आई एम अपलोडिंग द न्यू वीडियो। ओके सो कम इन माई चैनल टू वॉच द न्यू वीडियो। ओके थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।